आपको अच्छा ब्रेक मिले. मेरा मानना यह है कि अगर फिल्म अच्छी है तो कोई चीज़ उसे अफेक्ट नहीं करती, और अगर फिल्म अच्छी नहीं है तो कोई चीज़ उसे बचा नहीं सकती. आमिर, आप अकेले ऐसे अभिनेता हैं, प्रोड्यूसर भी कहना चाहिए आपको, डायरेक्टर भी, जो लीक से हट कर भी काम करते हैं और कामयाबी भी हासिल करते हैं, जो अपने आप में मुश्किल है. मेन स्ट्रीम से अलग भी कुछ करना और सक्सेसफुल भी होना, तो कुछ है उसमें फॉर्मूला? मुझे खुद समझ में नहीं आता मैं क्या जवाब दूँ, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये संभव है, क्योंकि लोग सोचते थे हो ही नहीं. हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये. और दरअसल मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और मुझे पसंद आती है और मेरा दिल कहता है कि मुझे ये फिल्म करनी है, तो मैं वो फिल्म करता हूँ. और अक्सर ऐसा हुआ है कि मेरे पास जो स्क्रिप्ट आई है, जो मुझे पसंद आई है, वो बहुत ही अनयूजुअल है, बहुत ही रिस्की है. जो नॉर्मल कमर्शियल या मेन स्ट्रीम फिल्म हैं उससे बहुत ही अलग हटके हैं, लेकिन मुझे बड़ी पसंद आई है. जैसे तारे ज़मीं पर है, या लगान है, या रंग दे बसंती, सरफरोश, ये सारी फिल्में. तो मैं जब मेरा दिल कहता है तो मैं वही करता हूँ, वही चीज़ करता हूँ जो मेरा दिल कहता है. पर जब आमिर कुछ भी करते हैं तो लगता है वाकई में अगला कदम है और नया कदम है और एक नई शुरुआत है, उसके पीछे क्या है? दरअसल मैं जब कोई एक फिल्म करता हूँ, कोई कहानी करता हूँ, तो एक दफ़ा मैंने उस किस्म की फिल्म मैं कर चुका हूँ, तो उसके बाद मुझे लगता है और कुछ करूँ. ये कर चुका हूँ मैं, आई वॉन्ट टू डू समथिंग एल्स. जो चीज़ मैं करूँ वो नई हो, एक्साइटिंग हो, चैलेंजिंग हो, उसमें मुझे मज़ा आता है. आई वॉन्ट टू चैलेंज माई सेल्फ, यू नो. एंड आई थिंक के सक्सेस और फेलियर तो हमारे हाथ में है नहीं. एटलीस्ट वी कैन इन्जॉय द प्रोसेस ऑफ वर्किंग. जो हम काम कर रहे हैं उसका मज़ा लें. एक फिल्म बनाने में एक साल लगता है. तो क्या आप जल्दी बोर भी हो जाते हैं आप किसी एक चीज से, किसी स्टाइल से? मैं बोर नहीं होता, मतलब जब तक फिल्म कंप्लीट नहीं हो जाए, और मैं बीच में बोर नहीं होता. आपके ब्लॉग में पढ़ रही थी, जो आपने सचिन के बारे में लिखा है जब मैच देखने गए थे, कि सचिन का हर एक अंदाजा, परख, एक एक गेंद की बिल्कुल परफेक्ट थी, बेहतरीन थी. उसके बारे में बताएं, हमारे बहुत से दर्शक जानना चाहते हैं. दरअसल मैं तो शॉक हो गया एक्चुअली. अच्छा. क्योंकि हम लोग मैच देख रहे थे साथ में बैठकर, और हर बॉल से पहले सचिन कहता था कि अब ये बाउंसर डालने वाला है. अच्छा. अब जो है ये इसकी शॉर्ट पिच आएगी, अब ये स्लोअर बॉल डालेगा. और वाकई वही होता था. ये बॉल जो है वो यॉर्कर ट्राई करने वाला है. तो मैंने उससे पूछा कैसे तुम्हें पता लगता है? उसने कहा यार फील्ड प्लेसमेंट जो है उसके हिसाब से मुझे पता लगता है. और एक इंट्यूशन, एक सेंस है उसको, ही कैन रीड द बॉलर्स माइंड. मैंने सचिन को बोला अगली दफा तुम मेरे साथ फिल्म देखो, मैं बताऊंगा अगला आगे क्या होने वाला है. गुड वन. पर सचिन से आप काफी प्रभावित हुए. किस चीज सचिन को देखता हूँ क्रिकेट फील्ड पर, तो जिस तरह से उनका ध्यान होता है गेम में, जिस तरह से वो जोश से खेलते हैं, जिस इमोशन से खेलते हैं वो, इट्स वेरी इंस्पायरिंग. आप भी खेलते हैं क्रिकेट? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे बेहद पसंद है. खुफिया चीजों की बात करें तो आपकी शादी बड़े खुफिया दौर से भी थी, सब कैमरे पहुंच गए थे जैसे. वो दांत के पता नहीं कैसे पेड़ों पे चढ़कर लोगों ने शॉट देने शुरू कर दिए थे. उसमें भी क्रिकेट मैच खेला था आपने? हाँ, उसमें भी क्रिकेट मैच खेला था. और आपने ठीक ठाक शायद खेला था, जहाँ तक मुझे याद है. पिटाई भी कराई थी लोगों की? नहीं नहीं नहीं, मैं कहाँ पिटवाई करा, मेरी पिटाई होती है, मैं किसी के काम. तो खेलते हैं कभी बात? मैं खेलता हूँ क्रिकेट. हाँ, 10 का दम में आपको देखने को, हम 4 जुलाई को मेरे ख्याल से आप और इमरान दोनों दिखेंगे, उसके बारे में बताएं. दरअसल सलमान का फ़ोन आया मुझे कि आप आएँ इस प्रोग्राम में, और मैं इत्तेफाक से मैंने वो प्रोग्राम देखा था पिछले हफ्ते जो उनका पहला शो था, और मुझे बहुत ही मज़ा आया था. तो आई फाउंड इट वेरी एंटरटेनिंग, और सवाल भी बड़े अजीब होते हैं उस शो पर. तो आई सेड व्हाई नॉट, आई विल गो. अच्छा, उससे पहले कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी पप्पू कान डांस, उसमें लोग कह रहे थे रेफरेंस उनका है, पर आपने कुछ कहा नहीं. बट अब क्या ये सारी कंट्रोवर्सीज आप लोग शुरू करते हैं, फिर आप लोग ही पूछते हैं कि यार ये कंट्रोवर्सी हुई थी. नो, देयर वाज नो कंट्रोवर्सी. गाना बिल्कुल सलमान पर नहीं है, और ये शायद किसी मीडिया पर्सन का ख्याल था.